आज से 10 साल पहले कहाँ था अपने इंडिया शक्ति में? जीरो था। 10 साल बाद कहाँ पहुँच गया? आज तीसरे चौथे नंबर पे खड़ा है। किसके पीछे खड़ा है? बीजेपी के पीछे। आपको मोबाइल फोन मिला? मोबाइल फोन मिल गया? नहीं मिला। नहीं मिला? गहलोत जी कह रहे मोबाइल फोन दिया आपने महिलाओं को? नहीं मिला। काय देगा माने? वो तो मोटा मोटा नेता ने दे छे माने कौन गणे छे। लेकिन कांग्रेस में कोई दिग्गज नेता है नहीं, इसलिए डाउन पड़ रहा है। एक खाली गहलोत है, वो ऐसे बोलता है मेरे को सीट नहीं छोड़ती है। बीजेपी ने राम मंदिर का फैसला जो लिया है, कांग्रेस ने उसको रोकने के लिए 24 वकील लगाए हैं। मिले पानी की तो लाइन ही को गड्डी आओगे खांसू का ऊपर से पटकेगो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है HCN न्यूज में और मैं हूं आप सभी के साथ रंजना उपाध्याय। HCN न्यूज का चुनावी काफिला पहुंचा है दौसा विधानसभा क्षेत्र में। राजस्थान विधानसभा क्षेत्र में दौसा की एक अहम भूमिका भी है। अब इस मुद्दे की बात की जाए, यहां के मुद्दे की बात की जाए तो दौसा में लोगों ने कई मुद्दे उठाए हैं। पानी की समस्याओं के भी मुद्दे उठे हैं और इसके साथ साथ कानून व्यवस्था पर भी दौसा में सवाल उठे हैं। अब सवाल ये है कि क्या एक बार फिर से मुरारी लाल मीना जो कांग्रेस से है वो बाजी मारेंगे या बीजेपी से शंकर लाल जो शर्मा है वो बाजी मारेंगे? सवाल है तो जवाब जनता के पास है, मुद्दे भी जनता के पास है और आपको ये साफ तौर पे पता चल जाएगा कि दौसा विधानसभा क्षेत्र में लोग क्या सोच रहे हैं। तो सवाल पूछते हैं इस बार हमारे साथ जो लोग हैं, आपसे मेरा सवाल है कि आप दौसा में मतदाता हैं, मतदान करते हैं? दौसा से। तो इस बार दौसा के जो मतदाता हैं, जो हमारे भाई बंधु हैं, किसकी तरफ है? बीजेपी कांग्रेस किसको देंगे वोट? बीजेपी को देंगे। बीजेपी को देंगे। क्या मुद्दे हैं, क्या आधार है आपका कि हम जाकर बीजेपी को चुनेंगे या बीजेपी में ऐसा क्या अच्छा लग गया? देश आगे बढ़े, कुछ करे देश। कांग्रेस नहीं बढ़ा सकती क्या? कांग्रेस नहीं बढ़ा सकती। कांग्रेस ने इतनी योजनाएं निकाली आपके लिए, वो कह रहे हैं कि फ्री का पानी, फ्री बिजली। आज से 10 साल पहले कहाँ था अपने इंडिया शक्ति में? जीरो था। 10 साल बाद कहाँ पहुँच गया? आज तीसरे चौथे नंबर पे खड़ा है। किसके पीछे खड़ा है? बीजेपी के पीछे। कह रहे कि देश के लिए बीजेपी बढ़िया कर रही है। बीजेपी बढ़िया कर रही है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने तो डुबो दिया महंगाई में। अब ये तो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहो, उससे क्या होता है? कांग्रेस की बात की जाए तो 5 साल हो गए 2018 के बाद से। 2018 से अब तक कांग्रेस ने ऐसे कौन से काम किए जिसकी वजह से हमारी जो दौसा के मतदाता है वो दुखी है? कुछ भी नहीं करा दौसा, तो कोई विकास नहीं है दौसा में। गहलोत जी आपके मुख्यमंत्री हैं, काम काज कुछ किया उन्होंने? खूब काम करे, बिल माफ कर दियो बेचारो, और काय कर तो इस बार कांग्रेस की बीजेपी। अब यह मैं तो को समझू नेता कर मोदी जी को जानती है? मोदी भी को जानू मैं तो। आपको मोबाइल फोन मिला? मोबाइल फोन मिल गया? नहीं मिला। नहीं मिला? गहलोत जी कह रहे हैं मोबाइल फोन दिया आपने महिलाओं को? नहीं मिला। गहलोत जी कह रहे हैं कि हम तो हर महिला को दे रहे हैं राजस्थान के? नहीं कौन दिया? तो आप मांग सकती हैं, आप कह सकते हैं, अपने अधिकार की बात कह सकते हैं। बेटा आप कुछ देगा, अब तो वोट आगा। वोट देंगी ना इस बार? वोट तो देंगे। मोबाइल फोन नहीं मिला तो नाराज तो नहीं है? अरे नाराज है, काई लेगा वहां से काई देगा माने? वो तो मोटा मोटा नेता ने दे छे माने कौन गणे छे। नहीं, गहलोत जी तो कह रहे हैं कि हम हर महिला के लिए, हर आदमी के लिए, हर पुरुष के लिए। नहीं को दियो काई भी कुछ नहीं मिला। बिल माफ करियो तो बस 100 इंट बस या छे बस। इससे खुश हैं आप? अब खुशी छे, माई लाइट थोड़ी फ्री मिली तो। पानी मिल रहा है? पानी वानी मिल रहा है? कौन मिलियो? पानी नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। पानी फ्री बोल रहे हैं गहलोत जी की, मिल रहा है सब? नहीं मिले पानी की तो लाइन ही को गड्डी आओगे खांसू का ऊपर से पटकेगो। एक बात बताइए, दौसा विधानसभा क्षेत्र में आप पानी भर, अगर पानी की समस्या के बारे में बताएं तो कैसे कैसे आपको समस्या का सामना करना पड़ा? पानी छाई को नड़ी गडरी आई को नी लाई नी को गडरी, वो बोर कट्टा में ले जे खारो पानी पिया जा। खारा पानी पीती है? हाँ। साफ पानी नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। आप लोग इस बार किसकी सरकार चाहते हैं राजस्थान में? सरकार तो बीजेपी बनो चाहे। क्यों चाहते हैं बीजेपी? बीजेपी देश के लिए बढ़िया से भाई, देश के लिए बढ़िया से देश चलावा के खातिर बीजेपी की बढ़िया करती है। बीजेपी ने अब तक ऐसा क्या किया कि आप प्रभावित हो गए, आपको लग रहा है कि बीजेपी आपके मुद्दे उठा सकती है? बहुत चीज ठीक बढ़िया करिया से मोदी जी बढ़िया किए। और क्या? और कांग्रेस सरकार की बात की जाए तो अब तक क्या नहीं हुआ राजस्थान में जो जनता को उम्मीद थी कि हो सके? कांग्रेस भी ठीक है,
भाई कांग्रेस को कोई खराब थोड़ी बता रहा है, लेकिन कांग्रेस में कोई दिग्गज नेता है नहीं, इसलिए डाउन पड़ रहा है। एक खाली गहलोत है, वो ऐसे बोलता है मेरे को सीट नहीं छोड़ती है। भाई सीट किसको नहीं छोड़ती है, छोड़ना चाहे तो ऑटोमेटिक छोड़ दे, लेकिन छोड़ना ही नहीं चाहता है वो। वो तो ऐसे बोलता है सीट मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। कह रहे जनता हमको इतना प्यार करती है कि हम छोड़ ही नहीं पाते कुर्सी, हमसे छोड़ ही नहीं, हम तो छोड़ना चाहते हैं लेकिन हमारी जनता छोड़ने नहीं देती। जनता का ही है थोड़ी चाहो, जनता तो कोड़ी भी घूम जाते जानो जो माहौल ज्यादा रहोगे जी। तो इस बार राजस्थान में क्या माहौल बनने वाला है, किधर जा रहा है, आप लोगों का मन क्यों लुभा रहे हैं आप? मतलब अगर पूछा जाए कि जो सरकारें हैं कौन सबसे ज्यादा आपको लुभा रही है? भाई हमारे को ज्यादातर तो बीजेपी का ही दिख रहा है। हमारे मोदी सरकार के नेतृत्व पर कहिए कि मोदी सरकार के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या सोचते हैं? जी मोदी जी हैं देश के लिए बढ़िया जे, बाहर विदेश आसूँ बढ़िया ही काम कर रहा है, जे भी कर रहा है भारत के लिए, जे भी कोई भी काम से जाए, कोई फैक्ट्री चाहे कोई रोड चाहे, सब कुछ बढ़िया ठीक ठाक काम चला रहा है, इसलिए मोदी जी ने ज़्यादा चाहो पब्लिक। सवाल है कि राजस्थान में किसकी सरकार और क्यों? बीजेपी बननी चाहिए मैम। क्यों बननी चाहिए? मैम बीजेपी आने के बाद ही देश का नाम रोशन हुआ है। कांग्रेस के समय में नहीं हुआ? कांग्रेस से मैम क्या हुआ मैम? आपको लग रहा है कि बीजेपी ने कर दिया? बीजेपी ने राम मंदिर का फैसला जो लिया है कांग्रेस ने उसको रोकने के लिए 24 वकील लगाए हैं, एक तो ये बात है। और बीजेपी आने के बाद ही देश को जानने लगे हैं सब।